मैं चाहता हूँ 10,000 कमेंट्स ऐसे आए कि भाई मेरे को ना अच्छा लगे, अदरवाइज ना भाई मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है मोमेंटो के साथ। तो हमेशा की तरह मेले के आ गए इंडियन मोटर ब्लॉगिंग से रिलेटेड अपडेट, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आमिर मजीद के बारे में। आपको बताओ आशीष कोहली जम्मू के एक रिपोर्टर है जिन्होंने आमिर मजीद के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा बोला था। तो लोगों ने इसे बाहर रोका, इन लोगों ने आमिर मजीद के साथ फोटो नहीं खिंचवानी थी, इन्होंने आमिर मजीद को बोला माफी मांग और आमिर मजीद ने माफी मांगी। तो इसके ऊपर आमिर मजीद भी आशीष कोहली और भी कई सारे न्यूज चैनल वालों को पोक करते हुए कुछ ऐसा बोला। मैच्योर बंदे हैं, 40-40 साल के बंदे हैं, अजीब सी बात है कि कम्पीट भी कर रहे हैं तो एक 22 साल के लड़के से कम्पीट करने, अपने लेवल के बंदू से कम्पीट करो। जो न्यूज वगैरह कवर करते हैं व्लॉग्स वगैरह की, उनको मैं यही कहूंगा भाई हमारा भाई किसी को पोक नहीं करता, किसी को पिन नहीं करता। सो प्लीज किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, प्लीज उसे वो बार बार डाल डाल के ना भाई मेरे पेरेंट्स को ट्रीट मत करो भाई। मैंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं बट ये बहुत सीरियस हो रहा है, मम्मा परेशान होती है। आप बात कर लेते हैं आलियन ब्लॉग्स के बारे में। तो आलियन ब्लॉग्स के पास जो है जानू स्टैन हाल पूछने के लिए गए थे और उन्होंने ये कहा कि आप दोनों एक साथ लद्दाख के राइड पर जाने वाले हैं। पर हाल पूछने के लिए कौन आए हुए हैं? अभी अभी मैं और जानू प्लान कर रहे थे कि कल हमें जो है लद्दाख राइड के लिए निकलना है। चाहे हमारा एक हाथ टूट चुका है, हमारा हाथ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो लद्दाख राइड गाइस होनी चाहिए। आपको पता हमारी लद्दाख राइड कैंसिल हो गई। गाइस कोई लद्दाख राइड नहीं होगी जब तक ये ठीक नहीं होगा। जिस दिन ठीक होगा ना उस दिन लद्दाख राइड में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे ना, मैं उससे पहले जाऊंगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये आज मेरे पास इतना ही अपडेट था, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।